Origin mining. It is not a mining method, but it is a method of approach to a coal seam. इसका मतलब है कि ये माइनिंग का मेथड नहीं है. जैसे माइनिंग का मेथड कौन कौन सा होता है, ओपन कास्ट और अंडरग्राउंड, लेकिन ये कोई माइनिंग का मेथड नहीं है. ये बस कोल सीम तक पहुंचने का एक रास्ता है कि हम लोग कोल सीम तक कैसे पहुंचे. तो कोल सीम तक पहुंचने का दो टाइप का रास्ता होता है, एक होता है इनसीटू माइनिंग, एक होता है हॉरिजन माइनिंग. इनसीटू माइनिंग क्या है कि इसमें हम लोग रोडवेज को कोल में ड्राइव करते हैं, ठीक है. जैसे कि नॉर्मल बोर्ड एंड पिलर वर्किंग में होता है, रोडवेज कोल में ड्राइव होता है. और हॉरिजन माइनिंग क्या है इसको भी जानेंगे. इसका अप्लीकेबिलिटी कंडीशन क्या है कि सीम इज फ्लैट टू मॉडरेटली इंक्लाइंड, मतलब कि फ्लैट टू मॉडरेटली इंक्लाइंड मतलब इसका इंक्लिनेशन इज वेरी लेस. इंक्लिनेशन इज वेरी लेस मीन्स डीप ऑफ द सीम इज वेरी लेस. डीप ऑफ द सीम इज वेरी लेस अबाउट 5, 10, 15, 20 मैक्सिमम. और इसके लिए सीम थिकनेस क्या होना चाहिए कि मॉडरेट होना चाहिए, जियोलॉजिकल डिस्टर्बेंसेस कम होना चाहिए. सिंस वी आर ड्राइविंग रोडवे इन कोल, सो रूफ एंड फ्लोर ऑफ द सीम शुड बी स्ट्रॉन्ग. हॉरिजन माइनिंग एप्लीकेबिलिटी कंडीशन है. अब जब हॉरिजन माइनिंग को हम लोग यूज़ करेंगे तो उस केस में क्या होना चाहिए कि कब यूज़ करेंगे. हॉरिजन माइनिंग ड्राइव करना ये एक कॉस्टली प्रोसेस है, टाइम कंज्यूमिंग है, तो इसके लिए हम लोग कब यूज़ करेंगे. तो इसमें होना चाहिए सीम का इंक्लिनेशन ज़्यादा होना चाहिए, मोर देन 20 डिग्री, अबाउट 30 डिग्री टू 45 डिग्री. और सो सीम थिकनेस ज़्यादा होना चाहिए, मल्टी सीम यानी कि एक साथ कम डिस्टेंस पे बहुत सारे सीम्स ऑकर होने चाहिए. और फिर जहाँ जियोलॉजिकल डिस्टर्बेंसेस ज़्यादा रहेगा वहाँ भी हम लोग क्या कर सकते हैं, हॉरिजन माइनिंग को यूज़ करेंगे. और हार्ड रॉक सीम के आसपास होना चाहिए, क्योंकि हॉरिजन माइनिंग हम लोग रोड क्या करते हैं, हार्ड रॉक्स में ही ड्राइव करते हैं, ठीक है. तो हॉरिजन माइनिंग द रोडवेज आर नॉट ड्रिवन इन कोल सीम, बट इट इज़ ड्रिवन इन हार्ड रॉक विच इज़ लाइंग आइदर अबव और बिलो द सीम. तो मान लीजिए हमारा सीम ये है, तो वो हार्ड रॉक कहीं यहाँ होना चाहिए जहाँ से, या फिर या ऊपर में भी हो सकता है, ठीक है. और ये जो हम लोग रोडवे ड्राइव करेंगे हार्ड रॉक में, इसका इंक्लिनेशन क्या होगा, बहुत कम होगा, अबाउट 5 to 10 डिग्री, या नियरली इसको हम लोग फ्लैट भी ड्राइव कर सकते हैं. ये जैसे एक सीम है, दूसरा सीम है, तो हम लोग हॉरिजन माइनिंग के थ्रू ये एक रोडवे ड्राइव किए हैं स्टोन में. और ये स्टोन में और इन दोनों को कनेक्ट करने के लिए हम लोग क्या कर रहे हैं, क्रॉस में ड्रिफ्ट ड्राइव कर रहे हैं. इसका एडवांटेजेस क्या है, रोडवेज हैव लॉन्ग लाइफ एज दे आर ड्रिवन इन रॉक. तो रॉक में हम लोग रोडवे को ड्राइव कर रहे हैं, इससे इसका क्या होगा, लाइफ बहुत ज़्यादा होगा, ठीक है. इसमें मेंटेनेंस बहुत कम लगेगा, रोडवेज वो बहुत चौड़ा चौड़ा वाइड रहेगा, तो वेंटिलेशन अच्छा होगा. और इंक्लिनेशन बहुत कम है रोडवेज का, इस कारण कि क्या होगा, मशीनरीज का मूवमेंट इजी होगा. और फिर हाई स्केल मैकेनाइजेशन इज पॉसिबल, मतलब बहुत सारे हम लोग मशीन्स यूज़ कर सकते हैं, जैसे ट्रांसपोर्टेशन के लिए हम लोग बैटरी लोको, डीजल लोको, ये सब यूज़ कर सकते हैं. क्यों यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि रोडवेज का ग्रेडियंट बहुत फ्लैट है, ठीक है. और जब हम लोग ज़्यादा मशीनरी यूज़ करेंगे तो प्रोडक्शन भी ज़्यादा होगा. अब ये रोडवेज क्या है कि ये स्टोन में ड्राइव किया गया है, तो इसमें आग लगने का चांस भी कम होगा, ठीक है. डिसएडवांटेज क्या होगा, ड्राइवेज ऑफ रोडवेज आर वेरी एक्सपेंसिव बिकॉज एक्सप्लोसिव कंजम्पशन. तो हम लोग रॉक में हम लोग ब्लास्टिंग कर रहे हैं, ड्रिलिंग ब्लास्टिंग कर रहे हैं, इसमें एक्सप्लोसिव कंजम्पशन बहुत ज़्यादा होगा. मोर टाइम टेकिंग देन इन सीटू माइनिंग, क्यों ज़्यादा टाइम टेकिंग होगा, रॉक में ड्राइव कर रहे हैं, सब केस में पॉसिबल नहीं होगा, ठीक है. तो एक बार फिर से हम लोग इसको समझ लेते हैं कि हम लोग ड्राइव कैसे करते हैं. तो मान लीजिए हमारा ये कोल सीम है, जिसका कि ग्रेडियंट या डीप ना, इट इज ग्रेटर देन अबाउट 30 डिग्री. तो हम लोग क्या करेंगे, शाफ्ट से पहले नीचे आएंगे, मान लीजिए यहाँ पर कहीं
रॉक है, तो हम लोग इसमें शाफ्ट के थ्रू इसमें हॉरिजॉन्टली एक फ्लैट रोडवे या फ्लैट या वेरी लिटिल इंक्लिनेशन ना, इसको हम लोग क्या करेंगे, ड्राइव करेंगे, ठीक है। और फिर यहाँ से एक क्रॉस मेजर ड्रिफ्ट बना के इसको हम लोग क्या करेंगे, कनेक्ट कर देंगे, ठीक है। एक सीम ये मल्टी सीम वर्किंग के लिए यूज़ हो सकता है, तो दूसरा कोई सीम ये है, तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, क्रॉस मेजर ड्रिफ्ट करके कनेक्ट कर देंगे। तो मेन चीज़ जो जानना है कि ये माइनिंग का मेथड नहीं है, इट इज़ नॉट ए मेथड ऑफ माइनिंग, इट इज़ ओनली ए मेथड ऑफ अप्रोच टू ए कोल सीम। इसका अर्थ है कि कोल सीम तक पहुंचने का एक रास्ता है, ठीक है। उसके बाद हम लोग चाहे तो बोर्ड एंड पिलर यूज़ करेंगे या ओपन कास्ट यूज़ करेंगे। थैंक यू।